नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार एक और नई सुबह हो चुकी है और हम हैं दीमापुर नागालैंड में, जा रहे हैं कोहिमा की तरफ। आज हम हिचहाइकिंग और पैदल ट्रैवल करने वाले हैं। देखते हैं, लोग बोलते हैं यार नागालैंड सेफ नहीं है, नागालैंड सेफ नहीं है। आज हम बिल्कुल स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे चल के जाएंगे और चेक करते हैं कि नागालैंड कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, और आपके साथ भी शेयर करूँगा। यार ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि भाई ये अपने आप में एक एडवेंचर है। नागालैंड में लोग बोलते हैं कि भाई सेफ नहीं है, बोले तो लूटपाट होती है, मार धाड़ होती है, बंदों को गायब कर देते हैं, किडनैप कर देते हैं, कुछ ऐसा सीन है यहाँ का बोला जाता है। वो हमें पता चलेगा आज के इस ब्लॉग में। भाई लोग, अब दीमापुर का शहर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हम आ गए हैं खूबसूरत पहाड़ों की ओर। अब यहाँ से जो रास्ता जाता है ना, पहाड़ पहाड़ पहाड़, फिर तुम पहाड़ पहाड़ करता है तो पहाड़ी पहाड़ है। और इन पहाड़ों के पार है कोहिमा सिटी। तो चलो पहाड़ों में हिचाइक करेंगे, नहीं तो पैदल चलते रहेंगे। आज काफ़ी पैदल भी चल लिए, थोड़ी बहुत हिचाइक भी हो गई और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। कहीं ना कहीं हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे तो वहाँ पे एक अंकल जी ने हमारा ब्रेकफास्ट भी स्पॉन्सर कर दिया था, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना यार। और वो भी मैंने बोला भी नहीं, फिर भी उन्होंने अपने साइड से बोला नहीं, आई इट्स ऑन मी। मैंने कहा यार वाह। मैं चला शहर से दूर की ओर, पहाड़ों के संग सबसे दूर अकेले मैं। पैर मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है यार यहाँ पे ना, इतना स्मूथ डाउन हिल है, ना ज़्यादा स्टीप है ना ज़्यादा क्लाइम वाला है। भाई लोग, आज मेरे साथ एक दो नए चेहरे हैं, एक ही नया चेहरा है, ये है सुरेश भाई। हेलो। और भाई जी केरला से हैं। यस। एंड ही इज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस व्हेन? लास्ट ईयर दिसंबर 26। ऑल वॉकिंग? यस। तो भाई पूरा इंडिया घूम रहे हैं। और फिलहाल आपको एक ताज़ा खबर और दे देता हूँ, ये देख रहे हो फ्रेश फ्रेश लैंडस्लाइड। फ्रेश कैसे है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। अगर दो चार छः घंटे आठ घंटे के बीच में नहीं होता तो ये साफ़ हो चुका होता। ये प्यारा सा ब्रिज पार करते हुए नीचे एक छोटी सी रिवर स्ट्रीम है और आजू बाजू हर जगह पहाड़ ही पहाड़। ना दीमापुर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ना ही अभी कोहिमा के रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और उम्मीद है कोहिमा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार हम डीबंक कर रहे हैं ना बेसिकली, कि भाई जो लोग कहते हैं वो सच है नहीं, वी आर गोइंग टू हिचहाइक। तो भाई लोग फाइनली कोहिमा में एक छोटे से ढाबे पे बैठे हैं। असल में आज संडे है ना, तो संडे को सब कुछ बंद होता है। तो यहाँ पे हम अपना भोजन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यार अभी तक कोहिमा पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। एक पाजी मिल गए थे नागालैंड में, पाजी देखने को आपको मिल गए, तो भाई कहीं ना कहीं सरदार जी देखने को मिल गए, तो एक अलग ही सीन हो गया। खैर वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो पुलिस में थे, मैंने उनको रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा। बाकी यार उन्होंने यहाँ तक 30 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी हमें, सीधा ला के कोहिमा सिटी पार करा दिया। और अब हमारा चैलेंज है यहाँ पे कैंपिंग की जगह ढूंढना। अब आप देखना भाई कहीं ना कहीं कैंपिंग के लिए कितना सेफ है, ये आपको अगले कुछ मिनट में पता चल जाएगा। फिलहाल यार बात कुछ ऐसी है, हम कैंपिंग के लिए निकल चुके हैं, कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं। लोकल से बात करी है तो लोकल्स बोल रहे हैं भाई आपको, आप कैंप लगा लो उस जगह पे, किसी जगह पे जाके, और आपको पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन लोकल्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जहाँ भी लगाओ पूछ के लगाना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन क्या पंगा कर दे, ऐसा कुछ सीन है। तो देखते हैं जहाँ पे भी कैंप लगाएंगे क्या होता है, उसका वो देखने का मेरे को भी इंतज़ार है कि भाई कोई पंगा होता है लोकल्स के द्वारा या फिर सब कुछ चिल है। भाई लोग गए हैं ऊपर, वो जो घर है उसमें पूछने कैंपिंग स्पेस के लिए। अरे परमिशन लिया बताया, बट वो इधर पे बोला, मतलब इधर पे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बोल रहे आगे पे कैंप साइड है, यहाँ पर स्पेस नहीं है।
कैंपिंग की प्लेस ढूंढना अटेम्प्ट नंबर टू। ये जो कार वॉश का साइन दिखा है ये नीचे जाता है और कार वॉश आता है। वहाँ जो नीचे एक कार वॉश है उसमें ही बेसिकली पता करने गए हैं मेरे दो साथी लोग अर्पित और सुरेश भाई कि क्या हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है और अभी तक हमें कैंपिंग स्पॉट नहीं मिला है। नागालैंड में कैंपिंग पॉसिबल है फ्री ऑफ कॉस्ट या नहीं है, सेफ है या नहीं है, वो हमें पता चल रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना नागालैंड में हर एक विलेज में हर एक बस्ती में कहीं ना कहीं पंचायत सिस्टम की तरह एक सिस्टम चलता है कि जो एल्डर्स होते हैं विलेज के वही कुछ फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना हम जहाँ पे भी जाएंगे पूछेंगे दे विल ओनली कंसिडर कि भाई लीडर क्या कह रहा है। अगर हम लीडर से बात करते हैं तो ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी है कहीं ना कहीं कि हमें कैंपिंग का स्पेस मिल जाए। आजा। हो गया हाँ। तो भाई अर्पित का फोन आ गया और अर्पित कह रहा है आजा नीचे। हो गया तो मैं अब नीचे जाने वाला हूँ। आई गेस काम बन गया है अपना। लेट्स सी कहानी सुनते हैं अर्पित से नीचे जाके ना। भाई ये कौन बैठा है गोदी में, गोदी में कौन है? आजा। सुरेश भाई कैसा लग रहा है आपको कैंपिंग स्पेस? फाइनली वी आर द फाइंडिंग द कैंपिंग एरिया। हाँ आओ दिखा देंगे। तो आपके हिसाब से नागालैंड में अगर कोई बैकपैकिंग करना चाहे विदाउट वेरी मच कॉस्ट लो बजट बैकपैकिंग क्या वो कर सकता है? आग जलाएंगे। इससे पहले मैं आपको आगे की कहानी बताऊं कि हम खाने पीने का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं और आप कैसे कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ ये गैराज है, ठीक है? इस गैराज के ओनर से बात करिए, ये कार वॉश एंड गैराज है और इस गैराज के ओनर से हमने बात करी। यहाँ पे लोगों से पूछा था अर्पित और सुरेश भाई ने, तो उन्होंने बोला भाई पता नहीं ओनर से पूछना पड़ेगा। ओनर को कॉल लगवाया, ओनर ने बोला ठीक है लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जा रहे हैं भाई खाना ढूंढने क्योंकि संडे है और संडे को दुकानें बंद ही रहती हैं। अगर कोई दुकान खुली है तो कब तक खुली रहेगी पता नहीं होता है, तो इसलिए फटाफट जाते हैं खाने पीने का सामान ढूंढते हैं उसके। दोस्तों हम आ गए हैं किसामा विलेज में और ये होने वाला है हॉर्नबिल का हॉट बेड, ठीक है? हॉट बेड बोले तो मेन स्टेज। चलो गाड़ी से उतरते हैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँचा ना वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देख लो। गो गो या आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज बिकॉज़ आई एम फ्रॉम फ्रांस। दिस इज हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022। अभी शाम हो रही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल में अभी भी 3 दिन बाकी है। और यहाँ मैं कैसे आया हूँ ना, बेसिकली अंगामी ट्राइब जो कि नागास की 16 ट्राइब्स में से एक है, अंगामी ध्यान रखना है भाई, उनके दो बंदे मेरे को मिल गए हैं एंड देव बिकम फ्रेंड्स विद अस एंड वो हमको बोले कि चलो हमें जाना तो नहीं है पर आपको ज़रूर दिखा के आएंगे भाई। तो ये है नागास की हॉस्पिटैलिटी। देखो अच्छे और बुरे लोग ना हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी हैं। अभी तक सेकंड विजिट है मेरी नागालैंड की, पहले वाली सीरीज़ का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। जो पहली मेरी विजिट थी ना मॉन डिस्ट्रिक्ट एक ऑफ बीट विलेज में, उसकी सारी वीडियोस का लिंक कमेंट्स में है, वो आप जाके देखना भाई। वो वाइल्ड एडवेंचर था, ठीक है ना, कोई टूरिस्ट वैसे नहीं जाता, तो वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। फिलहाल अंगामी ट्राइब, पिछली वाली कोन्याक ट्राइब थी, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना वो कोन्याक ट्राइब के साथ है, लेकिन इस बार अंगामी विलेज अंगामी ट्राइब के फ्रेंड्स बने हैं। तो कहीं ना कहीं वी कम टू दिस मेन स्टेज। अगले 2-4 दिन के बाद ये यार लिट होने वाला है, लिट होने वाला है, मतलब यहाँ पे इतने लोग होंगे ना, दुनिया भर से लोग होंगे, दुनिया भर से, मतलब यार क्या बताऊँ, दुनिया भर बोले तो दुनिया भर, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल है यार, ये कोई लोकल फेस्टिवल नहीं है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है ना, क्योंकि यार नॉर्थ ईस्ट में मेरे को इतने सारे लोग बोलते हैं ना कि यार हमें रेसिज्म फेस करना पड़ता है जब हम मेन लैंड में जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में जाते हैं। कहीं ना कहीं यार लोग ना, देखो मैं बोलना अच्छा नहीं लगता बट जब आप उन लोगों को चाइनीज़ बुलाते हो ना, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से, आप गुजरात से, आप मध्य प्रदेश से, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप कश्मीर से हो, आप लद्दाख से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप उड़ीसा से हो, आप छत्तीसगढ़ से हो, आप झारखंड से हो, आप कर्नाटका से हो, या आप केरला या तमिलनाडु से हो, भाई प्लीज़ डोंट डू दिस। आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेसिस्ट कमेंट्स में मत बोलो, उनके साथ डिफ्रेंशिएट मत करो, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन इंडिया एंड वन इंडिया, ठीक है ना? तो
यहाँ के लोग यार कहीं ना कहीं बहुत बार कंप्लेंट करते हैं कि यार हम लोग उस साइड जाते हैं ना तो हमको चाइनीज बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अवर लुक्स. यार दिस इज़ वेरी बैड यार. मतलब मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, मेरे सामने कोई बोलेगा तो मैं छपाटा दे के मारूंगा, मैं लड़ लूंगा, मैं बहुत पीसफुल इंसान हूँ. बट यार ये चीज़ ना मेरे को हर्ट करती है बिकॉज दिस इज़ ये ना हमारे देश को हार्म करती है यार, हमारे देश की यूनिटी को हार्म करती है यार. आप खुद ही सोचो यार, आप किसी को एक इंडियन को आप बोल रहे हो कि आप नॉन इंडियन हो, आप चाइनीज हो, कितनी बुरी बात है यार. आप खुद ही सोचो ना, आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, आपको कोई बोलेगा आप इंडियन नहीं हो तो आपको कितना गुस्सा आएगा ना. तो भाई ये चीज़ मत करो. अगर कोई आपके सामने करता है उसको पकड़ के वहीं पर सुनाओ, हाथ मत उठाओ बट डांटो भाई कि भाई ऐसा मत कर यार. क्योंकि ना दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत हैं, हाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ में नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत होते हैं, लेकिन जब उनके साथ रेसिज्म होता है ना, उनको चिंकी बोला जाता है, उनको चाइनीज़ बोला जाता है. मेरे को ये वर्ड्स बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यार मेरे को दिल से दुख होता है कि यार उन लोगों को ये सब झेलना पड़ता है. ब्रो दे आर इंडियंस. नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट से ना हमारी आर्मी में लोग हैं जो मार्टियर हुए हैं, हमारी जंगों में, इंडिया की जंगों में शहीद हुए हैं. तो भाई आपका कोई हक नहीं है उनके साथ रेसिज्म करने का, उनको नॉन इंडियन बुलाने का, ठीक है ना भाई. बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. अगर आपके सामने नॉर्थ ईस्ट के साथ के लोगों के साथ ये होता है तो भाई आपका फ़र्ज है उस चीज़ को रोकना. अगर आप नहीं रोक रहे हो तो आप थोड़े से कम इंडियन होते हो, ठीक है ना. अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रेसिज्म को रोकते हो तो आप एक असली इंडियन हो, यही बोलना चाहूँगा. फिलहाल अभी रात हो रही है, ठीक है, हम खाना पीना देखते हैं कहाँ करेंगे, हमें नहीं पता कहाँ करेंगे. बट भाई ट्रैवलिंग स्टाइल यही है कि हम प्रेजेंट में जीते हैं, दो घंटे बाद क्या होगा हमें नहीं पता, बट हम प्रेजेंट में जीते हैं. फिलहाल भाई थैंकफुल हैं हम कि भाई अंगामी ट्राइब के दो दोस्त, वो थोड़े से शाये हैं तो कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई रेसिज्म को बढ़ावा मत दो और नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करो. हमसे बोलते हैं लोग सेफ़ नहीं है, लेकिन आपने आज की वीडियो में देखा होगा हमने हिचहाइकिंग की, हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिले, हम यहाँ तक पहुँच गए ना, दीमापुर से यहाँ तक पहुँच गए, वो बहुत बड़ी बात है, वो भी ज़ीरो मनी में, ठीक है ना, हमने पैसा खर्च नहीं किया है. भाई लोग ये जगह हमें मिली थी, आप देख सकते हो यहाँ पे कैंपिंग की जगह मिल गई थी गैराज के अंदर, और यहाँ पे हमने खाना बना लिया था. खाने की व्यवस्था हमने कैसे की थी ना कि यहाँ पे दुकानें तो बंद होती है संडे को, तो हमने इसी गैराज और कार वॉश में जो भाई लोग काम करते हैं उनके साथ दोस्ती करके उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें थोड़ा राशन दे दो, और इसी तरीके से बेसिकली कल की रात काटी है. कंक्लूजन भाई यही निकला है, देखो नागालैंड में आप लो बजट में ट्रैवल कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, हिचहाइकिंग कर सकते हो, वो भी सेफली, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनसेफ है. आराम से हम लोग पूरा दिन घूमे हैं, सारे काम किए हैं, वो भी मिनिमम टू मिनिमम खर्चे में, है ना. हालांकि चार्ज के लिए लोग बोल रहे थे कि भाई कैंपिंग स्पेस का चार्ज लगेगा, लेकिन ढूंढते हम आए ना तो कहीं ना कहीं हमें ये मिल गई. इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करता हूँ. ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल और ट्रैवलिंग कंटेंट के लिए, नए नए ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर लो यार. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. थैंक यू सो मच. फिर मिलूँगा कल एक नई वीडियो के साथ सुबह 7:30.